नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मैं हूं अभिनव रंजन। 3 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से पटना में जन आकांक्षा रैली आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी खुद शिरकत करेंगे। तमाम गठबंधन के नेता इसमें होंगे। ऐसे में अनंत सिंह मोकामा विधायक जो हैं, वो भी कांग्रेस की इस जन आकांक्षा रैली को सफल करने के लिए उसकी तैयारियों में जुटे हैं। आप देख सकते हैं, मिलर स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पे लोगों जो रैली में आएंगे उनके लिए नाश्ते और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे जो कारीगर हैं वो मौजूद हैं, और दूध हो या पनीर, इन सब की मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूध जो है उसको आग पे गर्म किया जा रहा है, और तैयारियां काफ़ी ही ज़ोर शोर से अनंत सिंह के तरफ से की जा रही हैं जन आकांक्षा रैली को सफल करने के लिए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह जो विधायक हैं, उनको कांग्रेस के तरफ से अभी चुनाव लड़ने के लिए जो वो दावे कर रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के तरफ से निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन चाहे वो रोड शो हो या फिर रैली में लोगों के जुटने पे उनके स्वागत और खातिरदारी की तैयारी हो, इन सब में अनंत सिंह जुटे हुए हैं और खुद से कांग्रेस को रिझाने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, ये मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। ये कौन सी मिठाई बनाई जा रही है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बन रही है जी। तो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? वो सब तो बनाएंगे, बताएंगे ठेकेदार साहब ने। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हालांकि आपको हम अगर दिखलाएं तो दूध का टैंकर भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे तैयारियाँ काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, लोगों के लिए, लोगों की खातिरदारी के लिए मिठाइयाँ, उनके खाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कितनी तैयारी अभी तक हुई है? 8,000 लीटर दूध की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 4,000 लीटर बन चुका है, 4,000 नाइट में बनेगा, और उसके बाद जो होगा कल भी आ सकता है दूध डेयरी से 10,000 लीटर का। तो रैली जो है वो 3 फरवरी को होना है, और आज आपको अभी 31 तारीख है। ऐसे में अभी से ही शुरुआत हो चुकी है रैली के लिए, तो अभी कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि लोग भी काफ़ी भारी संख्या में आने की उम्मीद है लोगों की? ऐसा है कि इतना आदमी आएगा, एक दिन थोड़ी तैयारी हो सकता है। इसके समय इस सामान के लिए 3-4 दिन का समय पहले से ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें इस जो खाने बनाए जा रहे हैं इसमें कितने तकरीबन कितने कारीगर हैं? कारीगर कितने? लमसम 1,500 से कम नहीं होगा। तो लगभग 500 के करीब में कारीगर हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। दूध जो है वो 8,000 लीटर, जैसा कि बताया अभी, कि मंगवाया गया है। आप देख भी सकते हैं, टैंकर दूध का लगा हुआ है, और अभी और भी उम्मीद है कि टैंकर दूध के आ सकते हैं। तो तमाम तैयारियां जो हैं अनंत सिंह की तरफ से ये करवाई जा रही हैं कि जो जन आकांक्षा रैली होनी है उसमें भारी संख्या में, तादाद में लोग आने हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूध जो है वो गर्म करके रखे हुए हैं मिठाइयों के लिए। तो अब अनंत सिंह जो हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से इन सब को करवा रहे हैं, रैली को सफल बनाने के लिए। हालांकि सबसे बड़ा बात ये है कि अनंत सिंह का अभी तक जो कांग्रेस से चुनाव लड़ने का जो बात सामने आ रहा है, अनंत सिंह की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं चुनाव लड़ने के, उसमें कांग्रेस के तरफ से अभी ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है कि हाँ कांग्रेस से अनंत सिंह लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को रिझाने के लिए अनंत सिंह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लिए रोड शो करना हो या इस तरह की तैयारियाँ लोगों के आने पर उनके खाने पीने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब बहरहाल देखना है कि अनंत सिंह के इस तरह के कदम से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अनंत सिंह को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजतिलक के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस बिहार।